हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कल ही नेटफ्लिक्स से एक नई मूवी आई है जिसका नाम है जाने जा, जिसे देखने के बाद मैं रिव्यू दे रहा हूं। इस फिल्म के बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, जिससे आप डिसाइड कर सकें कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, फिल्म जाने जा करीब 18 साल पहले प्रकाशित हुई एक जापानी उपन्यास द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स पर बनी 5वीं फिल्म है। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया के अलावा ये फिल्म कोई 4 साल पहले तमिल में भी बन चुकी है और इंग्लिश में भी बनने वाली है। जाने जा फिल्म के जरिए अभिनेत्री करीना कपूर का ओटीटी पर डेब्यू हो रहा है, लेकिन फिल्म जाने जा की रिलीज से पहले इसकी कहानी पर कम और इसकी हीरोइन करीना कपूर खान पर बातें ज्यादा हो रही है। ये एक प्रेम कहानी है थ्रिलर की चाशनी में डूबी हुई। सुजोय घोष पश्चिम बंगाल से हैं, तो फिल्म की पृष्ठभूमि भी उन्होंने कलिम्पोंग रखी है। फिल्म जाने जा की स्टोरी भी काफी सीरियस है। मूल कहानी एक जासूस के ऊपर है जो एक लापता पुलिस अफसर का पता लगाते लगाते वहां पहुंच जाता है, जहां पुलिस अफसर की बीवी अपनी बेटी के साथ रहती है। गणित का एक अध्यापक इन बेटी का पड़ोसी है और मन ही मन उस माँ से प्यार कर जो जासूस की नजर में इस पूरे मामले की मुख्य संदिग्ध है। कहानी की इस बुनावट के हिसाब से फिल्म का मुख्य पात्र करीना कपूर का ही होना चाहिए, लेकिन इस फिल्म की वही सबसे कमजोर कड़ी है। वैसे तो करीना कपूर खान का अपना आभा मंडल रहा है हिंदी सिनेमा में। उनके निभाए किरदारों की ब्रांडिंग इतने शानदार तरीके से होती रही है, कभी उनकी अभिनय क्षमता पर बात ही नहीं हुई। और डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स की कहानी ऐसी है कि इसमें हर किरदार को शतरंज की विषाद की तरह अपनी चाल खेलनी है। अपने चेहरे के भावों को सहारा लेकर अपना रेस्तरा चलाने वाली माया डुसीजा का एक किरदार करीना के लिए आसान होना चाहिए था। वह निजी जिंदगी में भी माँ है और यहाँ भी उनका एक किरदार एक किशोरी बेटी की माँ का ही है। माया का अतीत दागदार भले ही हो, लेकिन वर्तमान और अपनी बेटी का भविष्य वह उज्ज्वल बनाना चाहती है। इस लिहाज से अभिनय की पूरी एक थाल करीना कपूर को मिली है, जिसे वह नवरसों का अभ्यास करके सजा सकती थी, लेकिन ऐसे क्लिष्ट चरित्र निभाने के लिए जो कला चाहिए वह उनकी कलाकारी में नहीं है। इस फिल्म में दो हीरो हैं, जयदीप अहलावत और विजय वर्मा। दोनों असल जिंदगी में पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में साथ पढ़े। यहाँ फिल्म में भी दोनों सहपाठी का ही रोल निभा रहे हैं। जयदीप और विजय इसे खींचने की कोशिश भी करते हैं। बस यहाँ स और मात का खेल जिस जासूस के हाथ में होना चाहिए था, वह अंत तक आते आते गणित टीचर के पास चला जाता है। वैसे तो हीरो वही है जो हीरोइन को ले जाए, लेकिन हीरोइन से इतना प्यार करने वाला भी सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि हर भाषा के सिनेमा में हीरो ही होता है। फिल्म जाने जा की जान जयदीप अहलावत है। जूडो के अभ्यास से लेकर स्कूल में बच्चों के साथ सिक्के का खेल खेलने तक के दृश्यों में जयदीप अपनी विश्वास सजाते हैं। चाल चलने की बारी उनकी आती है तब जब उनकी प्रोशन खतरे में होती है। वह ब्लैक बोर्ड पर गणित सजाता है, अगली चाल के बारे में तर्क लगाता है और पहुंचता है वहां जहां गणित के सवाल में आने वाले एक्स का सही उत्तर पा लेने वाला ही पास होता है। और यहां जयदीप इस सारे खेल में सम्मान सहित अंकों से उत्तीर्ण होते हैं। फिल्म में लिन लेस राम भी है, जिनके इस अभिनय पर हिंदी सिनेमा के दर्शकों की नजरें अरसे से टिकी रही है। फिल्म ओम शांति ओम में पहली बार दिखी लिन का अभिनय रंगून और मैरी कॉम जैसी फिल्मों में निखरता है। वेब सीरीज एक्सोन में भी उन्हें नोटिस किया गया और फिल्म जाने जा का असल टर्निंग पॉइंट उनके किरदार से ही आता है। वेब सीरीज काला और बम्बई मेरी जान में हाजी मस्तान से प्रेरित किरदार निभाने वाले सौरभ सचदेवा यहाँ उस भ्रष्ट पुलिस अफसर के किरदार में जो पहले अपनी बीवी और अब अपनी बेटी को डांस बार में नचाने की जीत पे अड़ा है। वैसे तो सौरभ के चेहरे पे एक खतरनाक विलन बनने के सारे एहसास मौजूद है, बस जरूरत उन्हें एक अच्छे रोल की है। फिल्म के दूसरे हीरो विजय वर्मा ने शायद फिल्म में जाने जाए ये सोचकर की होगी कि फिल्म के हीरो वही हैं। करीना कपूर के साथ गाने नाचने का मौका भी उन्हें ही मिलता है, लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए बनी फिल्म में सुजोय घोष वाली कहानी में तमन्ना भाटिया के साथ दिख चुके विजय वर्मा का हाल वैसा ही है। कलाकार जब अपने अभिनय से ज्यादा अपने अफेयर के सहारे चर्चा पाने की कोशिश करता है तो उसकी असल कुवत का अंदाजा दर्शकों को होने लगता है। विजय वर्मा के पास यहाँ अपनी अभिनय क्षमता दिखाने का बढ़िया मौका था, लेकिन वह हिंदी सिनेमा के अगले नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनते दिखते हैं। उनकी कदकाठी अपने आप में एक किरदार है, लेकिन सिर्फ देखकर याद रह जाने वाले अभिनेताओं के सामने असल चुनौती इस बात की होती है कि लोगों का उनका अभिनय किन किन किरदारों में याद रह पाता है। विजय को इस मामले में ओम पुरी की फिल्म जरूर देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि चूक उनसे कहाँ हो रही है। फिल्म जाने जा बहुत कमाल की फिल्म नहीं है, आधार इसका अच्छा है, कहानी भी बढ़िया मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर जैसी है, लेकिन निर्देशक सुजय घोष का आत्मविश्वास उन्हें फिल्म कहानी के बाद बतौर निर्देशक प्रगति नहीं करने दे रहा है। उनको अब तक का सिक्का भूलने की जरूरत है। शब्दों पर नियंत्रण इसमें उनकी पहली सीढ़ी बन सकता है। अपने आस पास से निकलकर उन्हें भारत को नए सिरे से तलाशने की जरूरत है। पहले बदला और अब जाने जा जैसी फिल्में उन्हें पैसे तो खूब दिला सकती है, लेकिन बतौर एक काबिल निर्देशक उनके फिल्म कहानी के आगे की कहानी सजाने की उम्मीद उनके प्रशंसकों को बनी रहेगी। तकनीकी रूप से फिल्म में 21 पुराने गानों का इस्तेमाल इसे कमजोर बनाता है। कहीं भी कोई भी गाना आ जाना फिल्म के प्रवाह को तोड़ता है। हाँ, लता मंगेशकर का गाया गाना जाने जा फिल्म का हाई पॉइंट है। करीब 10-15 छोटी छोटी गलतियों से भरी यह फिल्म फिर भी आपको थोड़ा बहुत इंटरटेन कर जाएंगी। एक बार तो फिल्म देख ही सकते हैं। कहाँ देखना है ये आपको पता है,
मेरा ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बेहतरीन फिल्मों के सजेशन और रिव्यू देखने को मिल जाएंगे।